अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्ताद नसरुल्ला भाई, तो संडे पे मेरा YouTube चैनल होंडा शॉप FP। ते दोस्तों ये मोटरसाइकिल मैं कहने इन ना ये रूरू करना जे गियर ला दे टोरो है ना ये रूरू करदा ते उंदा नुक्स मैं तो ओ शेयर करना पिया के भी ये रूरू केरी वजह कोनो करदा हा। ठीक है, एक अजीब जी वाइब्रेशन करदा गियर लगन दे बाद, यानी कि जे पुराने मोटरसाइकिल वो जी आवाज करदा गंदी, ते उंदा एक नुक्स आउंदा। ये नुक्स के नी गरारी क्लच गरारी है ना जेरी गियर प्राइमरी से लेंदे नी को। ठीक है, इंदी ए ढिली थी गई है, ये इतना लग जाए इन ढिली थी गई है। जल ये ढिली थी वजह तो भला गाड़ी है जी आवाज है जी खराब करेंगी है, रो रो करेंगी है। ठीक है, असा इन गरारी चेंज करनी है। ठीक है, ते नाल तो समझे दे वेसो उन क्लच बुक्स की सेटिंग भी दसेसों तक हूँ, इनकी सेटिंग भी दसेसों तक हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे कने जे यूट्यूब चैनल के उत्ते जे शगिर्द हैं या बाल हैं वो नौजवान सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हें कुछ सीखने को ढेर कुछ मिल वे इतों गिर, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ सबक हासिल थी वे। तो यार मेरे को तुम दसिया लाजमी करो कि तो आपको वीडियो की हो जी चाहिए है, की हो जी वीडियो में बना देता हूँ, मेरे को लाजमी दसिया करो, कमेंट्स किया करो, तो वो वाले गो फिट करने हैं। सब को पहले ऐसा को रखनी पड़ी था कि क्लच बक्से की वाशल था कि। ठीक है, जितना कि फ्री बोश आवे या गरारी आवे ना उतना कि वाशल थोड़ी लाजमी होनी है। ठीक है, सब को पहले उसी तक वाशल आयल का इस्तेमाल लाजमी करने ताकि बोशे जाम ना थी वे। ये मोबाइल लाजमी लावने ही को। ठीक है, ताकि सारा बुश फिटिंग के लिए जाम न थी। अच्छा दोस्तों, ये बुश लग गया सारा, वाशर लग गई, उसके बाद असा लैसू क्लच आउटर, एक क्लच गरारी भी आखे वेंदे, क्लच आउटर भी आखे वेंदे। अच्छा, वो गरारी ना इन चलती है इतनी गिर। ठीक है, इन नाल जो चलती है ये गरारी के चांस बहुत घट होंगे खराब थे वे क्लच आउटर के, ज्यादातर यह गरारी ही खराब थी। ठीक है, तो ये गरारी चेंज करे सो इंशाल्लाह तेरा मसला हल थे। अच्छा, क्लच आउटर लावन को पहले ना तो ये गरारी पहले ला गए सो ये बाद ले सो। ठीक है, ये भी तक मैं रख के लिखे ये पहले लैसे तो कहना लग सी, अगर क्लच बक्सा में पहले ला दसा तो ये गरारी बिल्कुल ही कहना लग सी, क्योंकि अगो इन सपोर्ट कहना कर सी। ठीक है, इन लावन को पहले तो ये गरारी लाजमी पहले ला गए सो, इंदा कोई टाइम मैकेनिक कुछ है नहीं, कोई चार सिर्फ फिट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना करें को देखो ये हम बराबर थी गई बिल्कुल इतना कर, ये अगू कटोरा क्लच कटोरा अगू आवे ने। ठीक है, अगू होने बाद वाला गरारी आवे जी, पहले कहना लग सी तुम क्लच आउटर बाद लग सी, सब को पहले एक गरारी लग सी, बाद बुश लग सी, वाशर लग सी, बोला ये तुरा क्लच आउटर लग सी। ठीक है, तो हूँ ये बाद वाला लग सी इतना कर स्टार वाशर भी एक आखे वेंदे, आखे वेंदे तो मकसद है कि हर कहती यार अपनी बोली होंगी तो हिं वास्ते मैं आख्या वेंदे, वरना एक स्टार वाशर भी आख दे। ठीक है, हिं तो बाद वाला सारी असी कट वाशर लाक वाशल भी यकीन है, कट वाशल भी यकीन है। ठीक है, तो इंदा भी यह कि एक साइड इनकी उभरी हुई है, एक साइड जी प्रेस है, एक पास में सीधा रखी करा, एक पास पुठा रखी करा, ए पास सीधा ए पास पुठा। ठीक है, प्लेन पास जरा वो अंदर आवने, सा बाहर वाला पास जरा वो बाहर आवने। वाशल रख के ना अंदर ही को किसी गरारी को दबा खिंच थोड़ा जा, ताकि गरारी थोड़ी वाशल ला के देखो ना, हम एक पास में दबाई करा, उसके बाद बोला ढाई पी इनको सकूँ बराबर रखने बराबर दबावने, ताकि इतों के दबे ताकि सारे वाशल जो ही रहे वजन कंप्लीट रहे वजन ठहन ना उत्ते लाख वाशल ला रहे सो इन्हें को वाशल के बेचे फस रही। ठीक है, उनको लाख कर गिनती है, उन्हें हम ठहन का चांस बिल्कुल खत्म थी चुके। हम असा लैसू क्लच बक्सा, क्लच बक्से की पोजिशन ये कि हम एक प्रेशर प्लेट इजाफी रखी हुई थी, क्लच बक्सा कहीं खुलवाया गया अल्ट्रेशन थी पी मेरे कहीं नहीं थी, मैं हूँ डेरा पे कि इनकी क्या अल्ट्रेशन थी है, लेकिन जाए रखे रखा भी गलत है, रखना भी इनी चाहिए जिम्मे रखा पे एक गलत रखे पे सेटिंग चलो ठीक कर चल रहे। ठीक है, इन चुनियन एक प्रेशर प्लेट उन्होंने इजाफी रखी पी करोल लिफान जो प्लेट आप मैं जे कर इस्तेमाल नहीं करा। ठीक है, ये देखो एक्सल की प्रेशर प्लेट है इनकी। ठीक है, तो करोल लिफान के तकरीबन मेरे ख्याल क्लच प्लेट है जी, CRLF ये लिखा करें। ठीक है, तो पाते भी लोकल हो चलो लाइन की सैटिंग ठीक करके लिखा, तो अल्ट्रेशन जो करनी है कि करनी है, सब को पहले लैस रखनी है
अपना क्लच प्लेट ताकि ब्रश अपना पकड़ करे इतना जो क्लच प्लेट रखती है फायदा करनी है तो एक कटोरा जो कटी ना पेना ठीक है। उसके बाद वाला उसी प्रेशर प्लेट वाला उसी क्लच प्लेट हम असा क्या करना है असा इतनी सेंटर के सहज बधावे ना सेंटर के डबल प्रेशर प्लेट रखे तो असा ठीक है। और उसके बाद वाला क्लच प्लेट रख रहे तू उसके बाद वाला प्रेशर प्लेट उसके बाद वाला क्लच प्लेट ठीक है। ये है अल्ट्रेशन हम जेरे भाई भी की सब को पहले एक बाकी सारे बराबर रखे थे एक प्रेशर प्लेट जी इजाफी बाहर रखिए जी ही कटोरे को हथो खमी पी तो आवाज भी करें दी नाल शोर पैदा करें दी गाड़ी वाले ठीक है। तो एक इनकी अल्ट्रेशन ये कि इवें ही रखना होंगे ये कि हम किक स्लिप ना करे सी किक स्लिप तो मुराद जो किक भरे ना इवें क्लच जो नपया खड़ा होवे महसूस थे वाले तो खत्म थी वे थी प्रेशर थोड़ा जहा वे गाड़ी का। उसके बाद असल आउटसाइड वाशर ये पासा बार रखने नंबर वाला आउटसाइड उसे लिखा भी पे ये लाक का किरदार अदा कर दी वाशर ने एक फिर तो चेक कर गए फ्री प्ले है एक लाजमी घुमा के चेक कर गए फ्री प्ले हो लाजमी अगर कहनी तो इन्होंने क्लच बक्सा सही कहनी बैठा घुमा के चेक कर गए घूमे भी सही तो ये प्ले भी हो गए ठीक है। स्टॉप करो भाई दोस्तों नट सर टाइट थी क्योंकि नट कोई कौन सा छेड़िए थोड़ा टाइट किए थे ठीक है। ये नट टाइट थी हम घुमा के चेक कर गए तो आया फ्री है या कहना फ्री है ठीक है। उसके बाद असं लैसो एक स्प्रिंग क्लच दे चार स्प्रिंग वालेकुम अस्सलाम सर ओके थे आगड़े स्टार्ट कर नट रेड थी स्प्रिंग लग गए नहीं तो बाल सब लाने पोसी है प्लेट ही नहीं ठीक है। ले बुलेट ने उत्ते वाशर लाजमी रखनी है
बाद तीन लंबे बोल्ट आप उठा लेंगे, सबसे लंबा बोल्ट यहाँ लगेगा, उससे छोटा बोल्ट जो है ना वो यहाँ लगेगा। वैसे ये दोनों सेम ही होते हैं और 70 का जो है बड़ा छोटा होता है। बाकी बोल्ट भी लगा लेते हैं, बाकी सारे बोल्ट जो है ना वो बराबर होते हैं। तो दोस्तों आप बताएं मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना, ऐसे नहीं जाना वीडियो देख के, तो चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो है ना आपको बर वक्त मिल सके। और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको किस तरह की वीडियो मेरी पसंद आ रही है, किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, उस टॉपिक में आपको टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूं मैं। तो ये आप हम इंसान के साथ टाइट करेंगे, चमर अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल वगैरह डाल के ना इसका सारा कंप्लीट प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। तो ये सबसे पहले लगा देनी है आपने, फिर आपने ऑयल भी डालना है, लेकिन ये लादने लगा देना है ताकि इसमें कोई अंदर कोई चीज गिर नहीं जाए आप जब काम कर रहे हो। ठीक है, तो फुट इस बार चलो, तो ये गाड़ी आपकी मुकम्मल हो गई है। ठीक है, अभी इसकी जुजू वाली आवाज़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बाकी सिलेंसर लगाना है, फोटोस लगाना है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेन काम था जो आपको समझा दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।